सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने ही एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पूरा मामला बीआरसी बांसी का है, जहां कार्यरत कार्यालय सहायक व चपरासी ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाने वाली क्विंटलों किताबों को स्थानीय कबाड़ी को 10 रुपए किलो में बेच दिया गया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने दोनों कर्मचारी व दो कबाड़ियों को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर चारों को जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर सीएम मयंक द्विवेदी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि निःशुल्क वितरित की जाने वाली सरकारी किताबों को बेचा जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए जब पुलिस पहुंची तो देखा कि सरकारी किताबें बेची जा रही हैं। तत्काल कबाड़ी व दोनों कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया और मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। आखिर सवाल यहां ये खड़ा होता है कि ऐसी चोरी की चोरों को घटना को अंजाम देने का मौका कैसे मिला? यदि अक्टूबर के माह में चोरी हुई तो पुस्तकें खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में क्यों रखी गई थी, क्यों नहीं बांटी गई समय से विद्यालय में ये पुस्तकें, ये बड़ा सवाल है। जानकारों की माने तो यदि विद्यालयों में ये पुस्तकें समय से वितरित की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आई होती। शिक्षा विभाग की पुस्तक वितरण प्रणाली सुस्त नजर आई। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को थाना बासी अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बासी में मंगल बाजार स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर सरकारी पुस्तकों को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस टीम ने जाकर जांच की तो ये पाया कि बीआरसी के कार्यालय सहायक और चपरासी द्वारा वहां पर कबाड़ी को जो निःशुल्क वितरण हेतु पुस्तकें थी उनको बेचा जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जो चार लोग थे, दो कबाड़ी और कार्यालय सहायक बीआरसी और उसके चपरासी, इन चार लोगों को हिरासत में लिया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।